विकी स्टार्ट। सर कुछ टाइम पहले ना मैं एक लड़की से मिलने गया था, उसने कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर दिया सर, मतलब उसने चाटा मार दिया सर। एक मिनट, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ मैं आपको बता दूं, ये विकी है। विकी से मैं थोड़े दिनों पहले मिला था और इसकी प्रॉब्लम क्या है वो आपको एक खुद बताएगा। नहीं एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग गाड़ी में बैठ के कारोबार कर रहे थे, दारू विद चकना, भुजिया मेरी दाढ़ी में फंसा और वो निकालने के लिए थोड़ा पास ही और मैं कुछ और ही समझ बैठा, मैंने उसको किस कर दिया सर, किस कर दिया। और ये मैं हूँ अपार, नाम तो सुना ही होगा। थप्पड़ तो पड़ेगा ही। नहीं सर, किस करने की वजह से चांटा नहीं पड़ा सर, चांटा इसलिए पड़ा क्योंकि चखना बहुत बुरा था सर, बदबूदार था। अच्छा मेरी जगह ब्रैड पिट भी होता वो भी चांटा खा लेता उस टाइम पर सर। अच्छा विकी, कभी और भी ऐसा हुआ तुम किसी लड़की से मिलो और कॉन्फिडेंस और लूज हुआ हो? बिल्कुल हुई ना सर। सर जैसे ही चांटा पड़ा ना मैंने सोचा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के दिखाऊंगा, एक ब्रांड के लिए मॉडल बन गया और मॉडलिंग शुरू कर दी। लड़की इंप्रेस हो गई प्रोफाइल देख के, DM पे बातचीत हुई, मिलने बुला लिया उसने, पर गरीब आदमी क्या करूँ, बाइक पर मिलने गया, हेलमेट जैसे उतारा बाल फैले हुए दाढ़ी फैली। लड़की ने मिलती बेइज्जती कर दी सर कि तू तो वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता जैसा फोटो वीडियो में दिखता है। बाल नोच नोच के हेयर लाइन रिसीड कर दी सर मेरी, कॉन्फिडेंस की फिर से हालत बुरी। एक तो आजकल हर कोई मॉडल बना फिर रहा है, मॉडल और सर इतना ही नहीं सर, इसके अलावा 2-3 बार ये। अच्छा ठीक है विकी, अब कुछ ऐसी बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसको भले ही नोट डाउन कर लो। तुम्हें क्या हर लड़के को ये बातें पता होनी चाहिए ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। बींग अ गाय ये प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी हैं। ऐसा कई बार ही होता है कि जब हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं ना बंदी से मिलने जाने के लिए, हम वो हैशटैग डेट रेडी वाली फोटो डालते हैं, उसमें बहुत स्मार्ट दिख रहे होते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचने तक ना हमारी बैंड बच जाती है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑलरेडी किसी और काम से बाहर हैं, हो सकता है हम अपना स्कूल कॉलेज ट्यूशन या फिर हम ऑफिस या कहीं भी बाहर हैं और एकदम से इंस्टेंटली बंदी से मिलने का प्लान बन जाए और हम उतना मेंटली रेडी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ हम फिजिकली भी रेडी होने की पूरी कोशिश करते हैं बट उतना अच्छा हम नहीं लग पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा कि मिलने से लास्ट मिनट पे आप कैसे हैक्स कर सकते हो, क्या वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपना बेस्ट देखें और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेयर ब्रश के बारे में। अब देखो प्रॉब्लम ये कई बार ही होती है कि हम लोग ऑलरेडी कहीं से बाहर हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि घर जाके बाल सेट करें, ना ही सैलून पे रुक के और स्पेशली बाल सेट करवाने के पैसे देंगे। तो एक हेयर ब्रश या फिर एक हेयर कॉम जो आपके बालों के लिए परफेक्ट हो वो हमेशा अपने साथ कैरी किया करो। मे बी आपके पास कोई बैग है, आपके पास अपना व्हीकल है, जो भी चीज़ है जैसे भी आप कैरी कर सकते हो उसको कैरी ज़रूर करो। अब ये भी होता है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं अपने वॉलेट में छोटी सी कंघी पिछवाड़े में डाल लेते हैं और उसको यूं लगे रहते हैं, तो मेरे बालों पर तो वो सूट नहीं करते। अगर आपके बालों पे वो भी सूट करते हैं वो भी कैरी कर सकते हो। और जो हमारा एज ग्रुप है वो यही चाहता है कि हमारे बाल हमेशा ऑन पॉइंट हो, एकदम स्टाइल्ड हो, तो हेयर ब्रश मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट रहेगा। उसको कैरी आप कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये भी होता है हम लोग बाइक से जाते हैं, हेलमेट उतारते हैं और बालों की बैंड बच जाती है और हेयर लाइन रिसीड जैसे विकी की हो गई थी वैसे आपकी ना हो, तो अपने साथ वो जरूर कैरी करना। बिल्कुल मिलने से 5 मिनट पहले बाइक साइड पर रोक के मस्त सेट बेट करके अंदर जाने से पहले आप उसको स्टाइल कर सकते हो। अब गबरूस देखो, बोला जाता है कि जल्दी का जो काम होता है वो शैतान का होता है। अब ये वाला ब्रश तो हम अपने साथ कैरी कर लेंगे लेकिन इस वाले ब्रश का क्या करें? आई एग्री कि हम लोग ब्रश करके घर से बाहर निकलते हैं जहाँ भी जाते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड के पास या लड़की के पास पहुँचने तक हमारे मुंह को फिर से ज़रूरत पड़ जाती है ब्रश करने की, क्योंकि हमने इतना कुछ खा चुके होते हैं हम उस दिन में, तो उस टाइम पर हम ब्रश तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। लेकिन जब भी लड़की के पास जाने से पहले आप मुँह खोलने वाले हो तो सबसे पहले दिमाग खोल लो और अपने पास एक माउथ फ्रेशनर रखो या माउथ के जो स्प्रेज आते हैं वो रखो या मिंट रखो, कुछ भी रखो। मिलने से पहले पहला शब्द निकालने से पहले कुछ अंदर निकल लो, वरना ये ना हो कि जल्दी जल्दी मखना को मिलने के चक्कर में आप चखना खा के चले जाओ और वो आपके गाल पर रख ना दे। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी से भी ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी के बारे में, जो लड़कों के साथ ही होती है यूजुअली। और तब जब लड़की बोलती है क्या तुम मिलने आ सकते हो, तो हम बड़ी मुश्किल से बोलते हैं कि हाँ आ जाएंगे यार, हमें तो मौका चाहिए मिलने का। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें लगता है हमारी शक्ल की बच चुकी है बैंड, लेकिन अब कुछ कर तो सकते नहीं है। रास्ते में रुक के कोई मुंह धो नहीं सकता है, लड़की के पास पहुंचने पे आप मुंह धो नहीं सकते हो, तो उस बीच का वो जो ट्रांजिशन है, जो हमारी फेस की अगर हालत ख़राब कर दी है पॉल्यूशन ने या किसी भी डस्ट ने या किसी भी गंदी चीज़ ने, उसको हम बेटर कैसे करें? तो वहाँ पर काम आएगा अर्बन गबरू कंपनी का फेस वॉश, जो कि फेस वॉश तो है ही है लेकिन वो वाटरलेस फेस वॉश है, क्योंकि जब भी आपके साथ ऐसी इमरजेंसी आएगी वहाँ पे वो आपका सबसे बड़ा साथी होने वाला है।
तो इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो वाटरलेस फेस वॉश मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि देखो जब भी आप ये प्रोडक्ट लगाओगे ना इसके बाद आपको पानी से प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाटरलेस इसलिए है, ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही बनाया गया कि आपका मन है कि अपने मुँह से गंदगी हटानी है, पानी की ज़रूरत आपको है लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा, तो इसको आप डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हो और फिर वाइप कर सकते हो। ये वही काम करेगा जो एक नॉर्मल फेस वॉश करता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि 100% सेफ प्रोडक्ट है यूज़ करने के लिए, इसके अंदर पैराबेंस नहीं है, सल्फेट्स नहीं है या कोई भी हार्मफुल केमिकल जो स्किन को हार्म करे वो इसमें नहीं डाला गया। और इसको लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है तो 15 सेंटीमीटर के करीब इसको अपने फेस से दूर रखो, डिस्टेंट रखो। वहाँ से आप 8-10 स्प्रेज या जितने भी स्प्रेज आपको लगता है आपके फेस के लिए सफिशियंट है उतने करो, पूरे फेस पर इसको फैला दो। उसके बाद इसको ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से आपको रगड़ना नहीं है कि ये आप सोचो झाग क्यों नहीं बना रहा है, वैसा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाटरलेस है। तो इसको आराम आराम से लगाना है अपने फेस के ऊपर। उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ मैंने पूरा फेस कवर कर दिया, तो किसी भी हैंडकरचीफ से, हैंड टॉवल से या फिर टिश्यू जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप वाइप करोगे अपने फेस पे, तो ये प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। और लास्ट पॉइंट में फिर से हम थोड़ी खुशबू, बदबू, ऑडर इस सब के बारे में बात करते हैं। देखो परफ्यूम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप किसी अच्छे ओकेजन पर जा रहे हो। वैसे तो रोज ही लगाओ डियो परफ्यूम, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को फ्रेश रखे, लेकिन हाँ जब ओकेजन हो तब तो प्लीज़ भाई मेरे खाते ज़रूर लगा कर जाया करो। अब इसके बाद आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं। अब आप पहले ये सोच रहे होंगे कि भाई हम घर से लगा के निकले तो हैं, अब चाहे आपका परफ्यूम कितना भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबल हो, लेकिन तब भी एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ जो मैं भी करता हूँ अक्सर, कि मैं परफ्यूम वगैरह लगा के निकलता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन हाँ मैंने अपनी गाड़ी में या फिर जो भी साधन मैं लेकर जा रहा था उसमें एक अच्छा सा परफ्यूम मैंने छोड़ा हुआ। और जब भी बाहर निकलना होता है, कहीं जाना होता है, मैं एक दो स्प्रे यहाँ पे इस एरिया में ज़रूर मारता हूँ, अपने हैंड पे ज़रूर मार के उसको मैं रब करता हूँ, क्योंकि वो लास्ट जो आप स्प्रे करते हो ना वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है और वो फॉर द टाइम बीइंग भी एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। अब अगर आपको अपने परफ्यूम पे पूरा भरोसा है कि हम बहुत अच्छे वाला लगा रहे हैं, तो वो छोटी वो टिकट विकेट वाले आजकल चले हुए हैं, वो 50-100 रुपये के टेस्टर्स टाइप के आते हैं, अब वो भी रख सकते हो क्योंकि वो हैंडी होते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं वो बेकार से होते हैं, आपको एक अच्छे परफ्यूम में इन्वेस्ट करना है, तो जो परफ्यूम के छोटे टेस्टर्स या फिर छोटी पैकिंग जाती है आप उसको लेके अपने पास परमानेंटली रख सकते हो। मटा इतना भी मत महकना कि आप में से फूलों वाली खुशबू है, क्योंकि फूलों की भी दुकान होते हैं ना। तो ये थे गबरूज आज की वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा इसको लाइक करना मत भूलना। और एक बढ़िया सा अपडेट मैं आपको दे दूं अपने मेक ओवर के बारे में कि देखो गबरू मेक ओवर होने वाला है, असली गबरू का मेक ओवर होने वाला है। मैं मस्त बाल बाल एकदम फुल, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं देखी आप देख सकते हो, उसी के ऊपर कॉन्टेंट आने वाला है कमिंग वीक में, ज़रूर 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 देखना। वेलकम टू छपरिस्तान। तो मिलते हैं गबरूज आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो बना के बहुत मज़ा आया, तो ऐसा ही कॉन्टेंट आपके लिए आता रहेगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बी अ गबरू, अर्बन गबरू आउट। अपार अंडरस्कोर शर्मा।